हमने ये कहा कि ये वाला कोऑर्डिनेट मान लीजिए थ्री, ये दे रखा है 3, 1 मिड पॉइंट दे रखा है, वैसे दूसरा जो मिड पॉइंट है वो क्या दे रखा है 5, 6, ऐसे जो तीसरा जो मिड पॉइंट है वो क्या दे रखा है -3, 1। यहाँ बात अच्छा हो गया। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, जैसे डी है, डी किसका मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट, ठीक है, तो x2 + x3/2 = 3, y2 + y3/2 = 1, ऐसे हो जाए, ठीक। तो हम ये कहेंगे मिड पॉइंट ऑफ बी सी = 3, 1 और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, जो भी x कोऑर्डिनेट है दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय 2, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो डिवाइड बाय 2, तो x2 + x3/2 4 बोल दिया, उसके बाद अगला देखते हैं जरा। ये हमारे पास क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ बी सी ये इसके इक्वल हो गया, मिड पॉइंट ऑफ ए सी ये ई के इक्वल हो गया, मिड पॉइंट ऑफ ए बी दिखाई दे रहा है, ये इधर जो मेंशन कर रहा है इक्वेशन नंबर 6 है और ये इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, जो x वाली इक्वेशन है उन सबको ऐड कर दो, जो y वाली इक्वेशन है उन सबको ऐड कर दो, और x वाली इक्वेशन कौन सी है, 1, 3 और 5, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ऐड
इक्वेशन होगा बी एंड फाइव, इक्वेशन नंबर वन थ्री और फाइव को ऐड कर दीजिए, तो वन को ऐड करेंगे तो एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स वन प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू कितना हो गया सिक्स प्लस टेन माइनस सिक्स, माइनस सिक्स और प्लस सिक्स का कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, एक्स वन प्लस एक्स वन कितना हो जाएगा टू एक्स वन, इधर लिख रहा हूँ ऐसे ही देखिए एक्स टू प्लस एक्स टू कितना हो जाएगा टू एक्स टू, एक्स थ्री प्लस एक्स थ्री टू एक्स थ्री इज इक्वल टू टेन, इधर से पूरे से टू ले लिया कम, यहाँ बचेगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री टू इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू टेन, टू फाइव सा टेन, टू फाइव सा टेन। अब क्या करेंगे डिवाइड बोथ साइड्स, फाइव माइनस एक्स वन इज इक्वल टू सिक्स,
माइनस एक्स वन इज इक्वल टू सिक्स माइनस फाइव, माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वन, एक्स वन इज इक्वल टू माइनस वन, पहुँच गए। एक्स वन की वैल्यू माइनस वन आएगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, यही जो एक्स थ्री की वैल्यू है, एक्स थ्री की इस वैल्यू को अब इक्वेशन नंबर थ्री में रख देंगे। दिस वैल्यू ऑफ एक्स थ्री इन इक्वेशन थ्री, ठीक है, तो एक्स वन प्लस एक्स थ्री, तो एक्स वन अब इधर का बता देते हैं या ऊपर का क्वेश्चन बता देते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स थ्री इन इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री में एक्स थ्री की वैल्यू रख दी है, तो क्या एक्स वन प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू टेन, तो एक्स वन प्लस एक्स थ्री की जगह क्या लिखेंगे, फाइव माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है, इज इक्वल टू टेन, माइनस एक्स वन प्लस एक्स वन कट गया, माइनस एक्स टू इज इक्वल टू टेन माइनस फाइव, इधर प्लस फाइव, माइनस एक्स टू इज इक्वल टू फाइव, एक्स टू इज इक्वल टू माइनस फाइव, एक्स टू की वैल्यू ये आ गई। अब सिंस एक्स थ्री इज इक्वल टू फाइव माइनस एक्स टू माइनस एक्स टू, फाइव माइनस एक्स वन कितना माइनस वन, माइनस एक्स टू कितना माइनस फाइव, फाइव प्लस वन प्लस फाइव इलेवन, तो एक्स वन की वैल्यू, एक्स टू की वैल्यू और एक्स थ्री की वैल्यू, तीनों वैल्यूज आ गई। यही काम मेरे को क्या करना है, यही काम मेरे को वाई वन वाई टू वाई थ्री निकालने के लिए, ये मिटा हुआ से डायग्राम भी इसका, से y3 की वैल्यू निकाल ली है, यहां दिए थे फ्रॉम इक्वेशन 8 y3 इज इक्वल टू 9 माइनस y1 माइनस y2, 9 माइनस y1 माइनस y2, ठीक है, ये y3 की वैल्यू होगी। अच्छा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन माइनस सेवन इज टू,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस. फिर भी टाइम कहाँ मिलता है यूट्यूब में, उतना वही ना, उसमें इतना टाइम कहाँ मिलता है.